बाटो में जो विशेष आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। आज हम खड़े हैं गुम्बा परिसर में और आइए यहाँ पे हम जानते हैं छेत्र पूजा के बारे में। छेत्र पूजा यह वह पूजा है जिसमें मछली को जीवन दान दिया जाता है और जो भी व्यक्ति विशेष इस पूजा में सम्मिलित होते हैं उनकी आयु वृद्धि होती है, उनके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, रोग दोष हैं, उससे उन्हें मुक्ति मिलती है। भगवान बुद्ध का उन्हें वरदान प्राप्त होता है और वह अपने जीवन में कुशल पूर्वक आगे अपने जीवन का निर्वाहन करते हैं। तो इस पूजा के विषय में हम जानते हैं यहाँ के पदाधिकारी से और समझ के आप सबको भी बताते हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ। ये आप देख पा रहे हैं, ये यही तमाम मछलियों को उसमें छोड़ा जाएगा गाजलडोबा के विशाल नदी में। तो आइए इस विषय में हमारे बीच एक पदाधिकारी हैं, उनसे हम वो आज जो ये गुम्बा परिसर में पूजा हो रहा है इस पूजा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए। मेरा नाम सुरेन लामा है, मैं इस गुम्बा का मेंबर हूँ। ये जो मछली जा रहे हैं ये गाजलडोबा में जा रहे हैं और ये इसलिए जा रहा है कि हम लोग का बुद्धिस्ट धर्म में होता है कि मछली को नदी में छोड़ देने से, उसको भगा देने से वो जितना चलेगा उतना ही आदमी का, जो आदमी छोड़ता है उस आदमी का आयु जो वयस होता है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये सब पुण्य काम करते सब लोग छोड़ते हैं। जो विश्व में जो जितना भी बुद्धिस्ट लोग हैं सब मछली छोड़ते हैं। ये आज ही के दिन छोड़ते हैं। और ये है मांगुर मछली, सिंगी मछली है, ये सब जो है जो जिंदा रह सकते हैं ना। तो दूसरा मछली छोड़ने से तो जल्दी मर जाएगा, ये सब जिंदा रहने की ताकत होता है इसलिए इसको छोड़ते हैं। ये कितने वर्षों से इस कार्य को किया जा रहा है? बहुत सारे वर्ष, बहुत जब से बुद्ध धर्म शुरू हुआ है तभी से चल रहा है। तो वास्तव में एक बात हमें बताइए हमारे दर्शकों को, इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यही होता है ना, इसको छोड़ने से इसका भी आयु बढ़ जाएगा। इसको तो आदमी लोग क्या करेगा, ले जाके घर में मार के खा जाएगा ना जी। इसको छोड़ने से एक काम तो इसको पुण्य काम हो रहा है जी, दूसरा काम अपना आयु भी जो वयस होता है, एज होता है, वो भी बढ़ रहा है। इसलिए दोनों तरफ से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ से फायदे का चीज। अच्छा, एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए, इसमें केवल जो बुद्धिस्ट धर्मावलंबी हैं केवल वही इस पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं ना? दूसरे धर्मावलंबी भी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्रिश्चियन, हिंदू, कोई भी, कोई भी। अच्छा, आज ये कितना मछली आज आप लोग छोड़ने का प्लान किए हैं? 3.5 क्विंटल से ज्यादा है। 3.5 क्विंटल से ज्यादा है ना, मोटा मोटी 5-6 क्विंटल हो गया। तो ये पूजा कितने दिनों से आप लोग कर रहे थे? जैसे आज तो मछली छोड़ने का विधान है, तो ये इस पूजा में आप लोग लगभग कितने दिनों से लगे हुए? 9-10 दिन से लग गए, कंटिन्यू हो रहा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है, मैं पंकज। तो आज हमारे गुम्बा में ये क्या प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार। नमस्कार। आज विशेष ये जो छेत्र पूजा हम लोग हर साल मनाते आ रहा है, ये एक्चुअली ऐसा है, इसमें एक धार्मिक एक अनुष्ठान है जो आपको सागादावा के अंदर आता है। सागादावा में हम लोग का जो विशेष करके ये तीन चीज लेके बहुत महत्वपूर्ण है। आज सागादावा का लास्ट दिन है। ये सागादावा एक्चुअली मनाते हैं कि जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध का इसी महीना में जन्म भी हुआ था, ज्ञान प्राप्त भी किया था, उसके बाद
हाँ ये सागर दाव इसी महीने के अंदर उनका परिनिर्वाण भी हुआ था, तो इसीलिए इसको महत्व है। जो कहते हैं कि इस एक महीना के अंदर में जितना आप धर्म करेंगे इसका 3 डबल ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो इसीलिए हम लोग जो छत्तर पूजा आज मनाने जा रहा है, तो आज समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि आदमी को और संपूर्ण धर्म के ऊपर भी उनको ध्यान देना चाहिए। हम लोग का धर्म के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ताकि आदमी का आजकल के युग में सब पाप की ज्यादा करने जा रहा है। क्या नाम है आपका और डेजिग्नेशन? हमारा नाम है फुर्बा श्री योजन। हम एक गुम्बा का जॉइंट सेक्रेटरी है। धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं इस डब्बे में मछलियां हैं और यही मछलियों को आज गाजल डब्बा में छोड़ा जाएगा। ये मछली छोड़ने का विधान जो है सुबह। आप सबको भी भगवान बुद्ध का कृपा दृष्टि और आशीर्वाद प्राप्त हो। बुद्धम शरणम गच्छामि। आप जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे किसी अपडेट्स के साथ। हम फिर मिलेंगे आपके साथ। मैं पंकज, आप सबका स्वागत है। धन्यवाद।